गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। तो आज कल रात में बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था, तो आज का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है। सब बादल लगा हुआ है, धूप का कोई और गर्मी भी बहुत कम है और तेज़ बहुत हवा भी चल रहा है, तो जिसकी वजह से थोड़ा छत पे था आके बोलने में था आँख पूरा हवा लग रहा है। तो ये मेरे पुराने वाले घर का छत है और इसके पीछे पूरा एक पूरा पेड़ पूर है और पीछे एक नदी भी है जो हसनपुर के बीचों बीच में है। तो हे गाइस, तो अभी शाम के बज रहे हैं 5 और मैं अभी छत पे हूँ। तो कल रात बहुत ज़्यादा ही बारिश हुआ था, जिस वजह से अभी आज था जल्दी था, बादल पूरा अच्छे से लगा हुआ है, तो पूरा मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो पीछे देख सकते हैं पूरा हरियाली हो गया, पूरा हरा भरा सब कुछ हो गया है, पूरा एम मस्त सा व्यू आ रहा है। और मैं अभी इस छत पे इसलिए आया हूँ क्योंकि जो छत पे गमला है तो उसमें है ना मिट्टी बस डला हुआ था, वो सूखा सूखा मिट्टी था जो बारिश की वजह से पूरा अच्छे से नमी में पूरा आ गया। तो अभी यहाँ पे पापा आएंगे तो उसमें पूरे गमले में पूरा फूल का पेड़ लगाएंगे पूरा अच्छे से। तो ये देख सकते हैं आप लोग, तो ये हम लोग के घर के छत के टॉप पे जहाँ पे पानी का टंकी रहता है, तो उसके उसी के चारों तीन साइड से पूरा मिट्टी से भरा हुआ है। तो उसमें है ना पेड़ लगाने के लिए सही रहेगा क्योंकि ये मार्केट है, तो मार्केट में हम लोग घर के बाहर तो लगा सकते तो है नहीं, गार्डन टाइप तो यहीं पे मिट्टी भर के फिर यहाँ पे गार्डन टाइप का बना सकते। फिर ये अभी घर बन रहा था कुछ टाइम पहले, तो उसी का ये सारा सामान है, तो ये भी अच्छे से पूरा साफ करवा के फिर यहाँ पे अच्छे से गार्डन टाइप का कुछ बनवा लेंगे। ईशु हाय, हाय हाय बोलिए, हाय ईशु, हाय ईशु, हाय ईशु, हाय हाय हे गाइस। तो अभी आ चुके हैं हम घर पे, तो अभी रात का बज रहा है 9, तो अभी मम्मी है ना खाना बनाई है, तो अभी मम्मी बनाई है और रोटी और खीर। तो आज ईद भी है तो ईद में खीर मम्मी भी बना ली है, तो अभी खाना खा के फिर जाएंगे सोने और इसके बाद वीडियो एडिट करके तो इसको अपलोडिंग में लगा देंगे। तब तक के लिए आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए बाय। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो मेरा ब्लॉग का वीडियो कैसा लगता है तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करें कि कैसा लगता है आप लोगों को। तब तक के लिए बाय।